हेलो गाइस, आज मैं बताऊँ क्या करने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बिग आइस। उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर अपने आर्ट के सामान ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने ली है चारकोल पेंसिल और नॉर्मल पेंसिल एंड सर्कल वाला स्केल एंड माय पेज। और यहाँ पे साथ में मैंने लिया है चारकोल का पाउडर, ब्रश, पेंट ब्रश ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, और चारकोल पेंसिल। और यहाँ पे मैंने स्केल लिया है और शार्पनर लिया है। तो चलिए यहाँ पे मेरा A4 साइज शीट स्टार्ट करते हैं हम अपना चीज़ बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आइस की आउटलाइन ले गई हूँ। उसके बाद इसे डार्क करने के बाद आइस के अंदर का सर्कल बना के फिर छोटू सर्कल बना देंगे। अब बारी आती आइस के अंदर वाले पार्ट में शेडिंग करने की। तो इसके अंदर वाले पार्ट में हम कैसे शेडिंग कर रहे हैं आप ध्यान से देखें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे लाइट लाइट करूँगी, फिर उसके बाद डार्क कर दूँगी। देखिए अब इसकी आइस का सर्कल रोल कर देंगे। अब हम करेंगे चारकोल पाउडर का इस्तेमाल। इसे हम कैसे करेंगे, ब्रश लेकर इसके आइस के ऊपर वाली साइड पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले लाइट लाइट करेंगे, फिर उसके बाद इसको डार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो अच्छा लग रहा है ना। फिर उसके बाद मैं इसे दोबारा लगाऊंगी। इसको हमें बिल्कुल डार्क करना है। नीचे वाले पार्ट पर भी लगाएंगे, बट हमें इसको ऊपर ज़्यादा डार्क करना है, ना कि नीचे। तो मैं इसे ले रही हूँ और इसको लगा रही हूँ नीचे। नीचे मैं ऐसे करूँगी जैसे हम पेंसिल से शेडिंग करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मैं अच्छे से कर रही हूँ। नीचे भी थोड़ा मेरे से डार्क हो गया, बट आप डार्क मत करिएगा क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ऊपर का ज़्यादा डार्क करना है, नीचे से कम। सो मैं अच्छे से कर रही हूँ उसे। एंड उसके बाद हम इसके अंदर भी फिल कर देंगे, वो भी लाइट, बिल्कुल लाइट फिल करना। ज़्यादा डार्क मत कर देना वरना आपकी आइस तो ख़राब ही हो गई। तो मैं इसे लाइट लाइट फिल कर रही हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो सबसे पहले मैं अभी कर रही हूँ, और जिस जिसने मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दे दिया है, जाकर आप वहाँ से मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो। एंड हाँ, मेरे बहुत दिनों से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप लोग जल्दी से मेरे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लाइक भी करें वीडियो को। तो फटाफट से मैं इसे डार्क करती जा रही हूँ। और हाँ गाइस, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं इसे डार्क कर अब इसकी जो है बनाऊंगी आईलैशेस। आईलैशेस बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। जैसे हम गार्डन बनाते हैं, गार्डन में हम जो है पत्तियाँ बनाते हैं, झाड़ी बनाते हैं, उसी टाइप से हम जैसे वन आईलैशेस बनाएंगे तो उसके ऊपर दूसरे आईलैशेस बनाएंगे। इस वजह से ये अच्छी हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से आईलैशेस भी रेडी हो गई एंड ऊपर वाले पार्ट को और डार्क कर देती हूँ। तो मैं इसे करती जा रही हूँ, जाके आप सब्सक्राइब भी कर दो। अब मैंने ले ली है फ्लूड। फ्लूड की मदद से इसे वाइट करेंगे और वाइट वाइट के ऊपर हम थोड़ा सा चारकोल पाउडर लगा देंगे जिससे ये रियल लगे। ओके गाइस, तो ये कंप्लीट। तो बस गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक